पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सबसे पहले पीएम मोदी ने ही ट्वीट की, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा भर्ती थी, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। कार्डियोलॉजिस्ट उनका चेकअप कर रहे थे लगातार, और कल में ही ये खबर सामने आई थी कि अब उनकी तबीयत में पहले से सुधार है, अब वो अच्छा महसूस कर रही हैं। लेकिन आज सुबह ही ये दुखद खबर सबके सामने कि अब हीराबा नहीं रही। पीएम मोदी के लिए ये व्यक्तिगत क्षति, मां को पीएम मोदी ने कंधा दिया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हीराबा की अंतिम यात्रा। गांधीनगर के सेक्टर 30 में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यकीनन माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए ही होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपने संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती हैं, खुद को भी भुला देती हैं। ये पीएम मोदी ने एक ब्लॉग में लिखा था। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप हीराबा के अंतिम यात्रा की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर के सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार किया जाएगा हीराबा का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को कंधा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद दुखद समय नरेंद्र मोदी के लिए, और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के साथ है उनके इस दुखद समय में, दुखद घड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और आज सुबह ही उनका निधन हो गया। 3:30 बजे सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। June 18 को उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा था, वो आपको सुना रही हूं। माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए ही होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को भी खपा देती है, खुद को भी भुला देती है। और इसके बाद फिर पीएम मोदी ने लिखा कि आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ कि मेरी माँ हीराबा आज 18 June को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और ऐसे साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। तो 100वें वर्ष में अंतिम सांस ली हीराबा ने। सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हो गया यूएन मेहता अस्पताल में, जहाँ पर वो इलाजरत थी। कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, और इसके बाद ट्रीटमेंट उनका शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने कुछ घंटों के बाद ही ये बताया था कि अब उनकी स्थिति में पहले से सुधार है, अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, अब वो अच्छा महसूस कर रही हैं। और फिर वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मुलाकात कर, डॉक्टर से मुलाकात कर दिल्ली रवाना हो गए थे। लेकिन आज सुबह ही ये बेहद दुखद खबर सबके सामने, सबके बीच आई कि अब हीराबा नहीं रही, उनका निधन हो गया 3:30 बजे। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिरी सफ़र में, अंतिम सफ़र में पीएम मोदी अपनी माँ को कंधा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत क्षति प्रधानमंत्री के लिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है उनके इस दुखद समय में। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार। सर, पीएम मोदी की मां का निधन हो गया है, बेहद दुखद खबर, और व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री के लिए ये क्षति है, किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे?
लक्ष्मी देश के लिए एक दुखद दिन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सब ने भारतवासियों ने आज तक हमने अपने प्रधानमंत्री को तो जाते हुए कहीं देखा संसार से, लेकिन किसी प्रधानमंत्री जीवित प्रधानमंत्री ने अपनी माता जी को स्वर्गवास होते हुए अपने सामने देखा है। ये पहली बार हुआ देश में। तो पूरा देश आहत है, भावुक है, और जिन प्रधानमंत्री को अपने हर जन्म दिवस पर अपनी माता की सेवा करते हुए, उनका प्यार पाते हुए और उनके साथ देखा है, उनको आज इस संसार से जाते हुए हम जब सुन रहे हैं तो ये हम सब के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं मानता हूँ कि देखिए प्रधानमंत्री को इस देश की ताकत दिखाते हुए तो सबने देखा, लेकिन एक अपनी माता को कंधा देते हुए पहली बार किसी देश ये देश प्रधानमंत्री को देख रहा है, और न केवल ये प्रधानमंत्री बल्कि कोई भी प्रधानमंत्री इससे पहले हमने अपनी प्रधानमंत्री को अपनी माँ को कंधा देते हुए नहीं देखा। ये भी अपने आप में एक अनमोल अवसर है हम सबके लिए। लेकिन संसार से जाना सबको है, और जाना उनको भी था, हमको भी जाना एक दिन, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने आप में बहुत भावुक पल है, और क्योंकि उनका अपनी माँ से बहुत गहरा अलग तरह का रिश्ता था जो हम सब ने समय समय पर देखा है। मैं मानता हूँ कि मूल रूप से नरेंद्र मोदी बहुत कोमल मन के हैं, भावुक मन के हैं, दृढ़ता उनके चरित्र में है, लेकिन उनका मन बहुत कोमल हम सब ने देखा है, और वही कोमलता आज हम सब देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक पुत्र के नाते अपनी माता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी माँ के बीच में रिश्ता था, इतने ऊंचे पद पर पहुँच जाने के बावजूद भी अपनी माँ को इतना मान सम्मान देना एक अपने आप में ही बड़ी बात है। और उनकी माँ हमेशा चर्चे में रहती थी, क्योंकि चाहे वो लोकतंत्र का पर्व हो या फिर कोई भी काम हो, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी वो हमेशा सजग और बिल्कुल आम नागरिक की तरह ही दिखी। कभी ऐसा नहीं दिखा कि वो प्रधानमंत्री की माँ है और उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा हो। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए प्रधानमंत्री ने हर बार अपनी माँ के कद को तो अपने जीवन में रखा, माँ के पद को अपने जीवन में रखा, लेकिन अपने प्रधानमंत्री होने की जो क्षमता है उनसे अपनी माँ के रिश्ते को दूर रखा। फिर भी ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन में आप कितने भी बड़े पद तक पहुंचाए, किसी भी कितना भी बड़ा कद बन जाए, कुछ भी आप बन जाए, जीवन में माँ माँ होती है, और माँ से बड़ा जीवन में कोई नहीं होता। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको, इस देश को अपने कृतित्व से, अपने कर्तव्य निभाकर दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जाना नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा सदमा है। एक उम्र के बाद में हमने देखा है कि एक उम्र के बाद में सारे रिश्ते अपनी संवेदनशीलता धीरे 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 खो देते हैं, लेकिन करीब इतनी दस दशक तक जीने वाली नरेंद्र मोदी जी की माता जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो रिश्ता है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा संदेश है कि रिश्तों की संवेदनशीलता को आप जीवन में कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए वो बनाए रखना चाहिए। और ये हमारी आने वाली पीढ़ियां आज जो टेलीविजन पर ये देख रही है कि प्रधानमंत्री अपनी माता जी को कंधा दे रहे हैं, वो लगातार उनसे मिल रहे हैं। मैं देखा है बहुत कई घरों में जब प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी को लेकर जब किसी दिन जब जाते थे अपने जन्मदिन पर या उनके जन्मदिन पर या नए दिन, तब बच्चों को लगता था कि हमें भी अपनी माता जी की सर सेवा करनी चाहिए, हम भले कितने भी बड़े हो जाएं। तो मैं मानता हूं कि ये एक प्रधानमंत्री के लिए भावुक पल है और ये संदेश भी है, और जीवन में एक नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को एक खास तरह का संदेश है कि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन वो अपने रिश्तों को संवेदनशीलता बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी की माँ का निधन हो गया है, 100 वर्ष की उम्र में। हीराबा ने अंतिम सांस ली यूएन अस्पताल में, और पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वहां पर अंतिम सफर में वो उनके साथ में हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री का कोई ट्वीट दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। तो अमित शाह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी पीएम मोदी की माँ के निधन पर उन्होंने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है, और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी
हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है, बेहद दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। कई बड़े दिग्गज नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त किया है, ट्वीट की है और ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। और जेपी नड्डा ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को पीड़ा के इन क्षणों में साहस दे। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शोक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख में साथ है और शोक प्रकट कर रहा है पूरा देश। तो वही राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस नेता, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी माँ और अपनी दादी से बेहद नज़दीक हैं, बेहद करीब का रिश्ता रखते हैं, बेहद प्यार करते हैं। हाल ही में उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए अपने दादी और माँ के बीच के प्रेम को उन्होंने जाहिर किया था और इसलिए उन्होंने ट्वीट में भी लिखा है कि एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। और इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।